आधे मैकेनिक भाई यहीं पर गलती करते हैं। जिन बेचारे मैकेनिक भाइयों को वायरिंग के बारे में नहीं पता होता तो वो बेचारे इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रह जाते हैं। अब मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक क्लच का जो सेल्फ स्विच होता है, यहाँ पर ये मेरे पास है पल्सर का, जो हमारी प्लैटिना वगैरह बाइक में होता है, आपने सभी में देखा होगा जो स्विच इनमें लगा होता है सेल्फ वाली बाइक में। तो यहाँ पर जब हम बाइक को गियर में स्टार्ट करते हैं तो क्लच प्रेस करते हैं तो ये इन दोनों तारों को आपस में टच कर देता है। अब करता है किस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तीन तारे हैं, आप देख रहे होंगे ब्लैक पे येलो, ग्रीन और येलो पे ग्रीन, यहाँ पर ये दो हैं और इस साइड में ये दो रह गई, देखो ठीक है। अब यहीं पर कन्फ्यूजन होती है मैकेनिक भाइयों को। अब क्यों होती है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर वो सोच रहे होंगे जब वो वायरिंग वगैरह करते हैं कि यहाँ पर तो तीन तारे हैं और यहाँ पर दो, ये होता क्या है, कैसे ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये मेरे पास पुराना स्विच है, देखिए पुराना स्विच है और यहाँ पर इसके अंदर एक डायोड लगा होता है। ये उन में भी मिलेगा आपको जिनके अंदर सिर्फ दो ही तारें होती हैं या फिर तीन तारे, ये सभी के अंदर इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायोड है ना, यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा और ये जो दो तारे हैं यहाँ पर आपस में देखिए जॉइंट हो गई, देखिए देखो ये दोनों तारे आपस में यहाँ पर जॉइंट हो गई। तो होता क्या है, अभी तो देखिए यहाँ पर ये तीन थी, आगे ये जॉइंट होकर ये आगे एक तार इधर है और एक इधर, दो तारें बन गई। तो होता क्या है, जैसे कि ये हमारा स्विच है ना, यहाँ पर जब ये इस पॉइंट पर टकराएगा ना, ठीक है, तो हमारी बाइक जैसे कि मान लो अभी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पोजीशन में तो वो स्टार्ट हो ही जाएगी क्योंकि ऊपर न्यूट्रल बत्ती जल चुकी है, ठीक है, और इधर से उसको करंट मिल चुका है क्योंकि ये तार जो है यहाँ पर मिल चुकी है और ये आपस में मिलने से ऊपर न्यूट्रल बत्ती जल गई। और जब हम मान लो गियर में डाल देते हैं तो गियर में डालने पर ये यहाँ पर इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब होता क्या है, जब हम क्लच प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा, ये वाला जो इसमें ये एक पॉइंट लगा होता है, ठीक है, तो इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पर न्यूट्रल बत्ती हमारी जलेगी तो नहीं, लेकिन यहाँ से जो है ये डायोड के माध्यम से आगे सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है, तो जिससे न्यूट्रल पर वो तार पर जाएगी और वहाँ पर जो सेल्फ बटन होगा उस पर हमारा जब ये करंट चला जाएगा तो स्विच जो होता है वहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो बाइक हमारी सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर तो है ये सिर्फ खाली है, देखिए इस साइड में तो ये देख सकते हैं और इस साइड में ये पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर ये जब खाली होगा ना तो यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है, जब हमारी बाइक न्यूट्रल होगी, और जब गियर में होगी तो यहाँ पर जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ये दोनों तारों को आपस में मिला देगा, देखिए यहाँ पर ही, ठीक है, ये दोनों तारों को आपस में मिला देगा, जिससे क्या होगा, ये डायोड के माध्यम से हमारी सप्लाई जो है यहाँ पर बैक नहीं जाएगी। अगर बैक चली गई तो ऐसे में अगर मान लो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारी वायरिंग शॉर्ट हो सकती है, ये आप याद रखिए। इससे क्या होगा, न्यूट्रल स्विच जो होता है नीचे वो भी जल सकता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ये डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप इस बाइक की वायरिंग वगैरह करें तो आप इन्हें यहाँ पर चक्कर में नहीं पड़ जाना है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तो ये जो डायोड होता है ना, ये बहुत ही इसमें अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है, आप किसी भी बाइक में देख लेना, किसी भी किसी में आपको एक छोटा सा ब्लैक सा, जैसे कि हीरो की बाइक में होता है, होंडा की बाइक में होता है, छोटा सा एक पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि हमारा एक रिले होता है दो पिन वाला, ठीक है, इस तरीके से, तो वो वही काम करता है। तो इन बाइक में देखिए यहाँ पर वही है, ठीक है, तो ये दो तारें आगे सप्लाई होकर निकाल देती है, डायोड का काम होता है, यहाँ पर पॉजिटिव आया, ठीक है, तो ये आगे जो है पॉजिटिव को नहीं जाने देता, तो इससे जो है ये कन्वर्टर होकर ही जो है हमारी सप्लाई निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सप्लाई को रोक लेता है और यहाँ पर जब हम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई इधर होकर चली जाती है, ये इसका काम होता है, तो ये सप्लाई को रोकने का काम करता है, तो कन्वर्टर करके ये आगे भेज देता है, ये इसका काम होता है, तो ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप चक्कर मत पड़ जाना कि इसमें तीन तारे हैं, यहाँ पर दो तारे हैं, तो ये इसी तरीके से काम करता है, इसके अंदर ये डायोड लगा होता है, बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये पाइप यहाँ से दब रहा है तो यहाँ से ये नहीं दब रहा क्योंकि यहाँ पर ये इसके अंदर जो है डायोड लगा हुआ है, तो आप इसमें याद रखें। तो ये पल्सर का एक न्यूट्रल स्विच है, जो सेल्फ स्विच होता है, क्लच स्विच, ये हम इसमें लगाने वाले हैं। तो चलिए, ये एक छोटी जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।